बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सूरह यासीन कुरान मजीद का दिल है। जो कोई एक बार इसे पढ़े, 10 बार कुरान मजीद पढ़ने का उसे सवाब मिलेगा। जो शख्स खालिस अल्लाह ताला की रजा के लिए इसे पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह यासीन को करीबुल मर्ग शख्स के सामने पढ़ा करो। सुबह के वक्त इसकी तलावत करने वाले की तमाम हाजात पूरी होंगी। हालत नजम में पढ़ने से मौत और सकरात की सख्ती आसान होगी। जो शख्स किसी हाजत के लिए एक बार पढ़े, वो हाजत पूरी होगी। अगर किसी चीनी के बर्तन पर लिख कर और अरके गुलाब से धोकर 5 औरत को पिलाते रहें, तो वो बार आवर हो और औलादे नरीना जने। अगर मोहताज पड़े तो गनी हो जाए। अगर किसी मस्कूर पर पढ़ा जाए तो जादू का असर दूर हो। आसेब वाले शख्स पर पढ़कर दम किया जाए तो आसेब चला जाए। अगर कोई शख्स बेनियत खलूस पढ़े तो कति जनती होगा और दीन दुनिया की तमाम मुश्किलात उस पर आसान हो जाती हैं। हर महम और हर मतलब के लिए इसका पढ़ना मुफीद है। अगर किसी शख्स की जान अटक जाए तो सूरह यासीन को 3 बार पढ़कर दम कर दें तो फौरन रूह निकल जाएगी। अगर बीमार पर पढ़कर दम करें तो सेहत याब होगा।